हेलो एवरी वन वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड जो पहले वाला एनगल्फिंग पैटर्न का वीडियो छोड़ा था उसमें थोड़ा रोटेशन का प्रॉब्लम था तो इसलिए फिर से मैं ये वाला बनाकर छोड़ रहा हूँ तो देखिए वीडियो समझिए जो जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट बनाइए ठीक है यह सब करने से आपको ही ईजी रहेगा क्योंकि बुक में थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में बोलूंगा लेकिन है लोग जिनको थोड़ा समझ में आता है क्योंकि हिंदी में जज्बात है हिंदी पढ़ने में जज्बात है हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है ठीक है ना तो चलिए पढ़ते हैं एनगल्फिंग पैटर्न ठीक है एनगल्फिंग पैटर्न में दो टाइप के हैं बुलिस एंड पैटर्न एंड बियरिस एंड पैटर्न ठीक है देखिए बुलिस में क्या है एक तो रेड कैंडल रे छोटा रियल बॉडी उसके उसको एक बड़ा वाला रियल बॉडी कवर ऑफ क्या है ठीक है इसको ब, बुलिस और बियरिस में छोटा वाला ग्रीन कैंडल और बड़ा वाला रेड कैंडल ठीक है व्हाइट और ब्लैक जो भी बोल सकते हो रेड और ग्रीन तो देखिए एनगिन पैटर्न कैसे बनता है द मार्केट हैजू बी इन डिफाइनेबल अप ट्रेंड फॉर ए बियरिस एंगल्फिंग पैटर्न बियरिस एंगल्फिंग पैटर्न होने के लिए मार्केट अपट्रेंड में होना चाहिए ठीक है मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए अपट्रेंड का मतलब ऊपर जाना चाहिए अपट्रेंड ट्रेंड का अपट्रेंड डाउन ट्रेंड तो आप जा नहीं चुके होंगे तो इतना समझाने का बात नहीं है बियरिस एंगल्फिंग पैटर्न होने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए और फॉर डाउन ट्रेंड फॉर बुलिस एंगल्फिंग पर्टर्न इट शुड बी डाउन ट्रेंड मार्केट को डाउन ट्रेंड में होना चाहिए जब भी एक तो बुलिश एंगल्विंग पैटर्न बनेगा तभी वेलिड होगा ठीक है और एंगल्विंग पैटर्न जैसे कि आप देखे हो पहले इट कम्प्राइजेस ऑफ टू कैंडल्स ठीक है ये दो कैंडल से बनता है मैं पहले दिखाया देखिए देखिए फिर से देखिए दो कैंडल से बना है कि नहीं एक रेड है एक दो ग्रीन ठीक है लेकिन अम्ब्रेला लाइन में ऐसा नहीं था एक तो कैंडल से ही बन रहा था हैमर और हैंगिंग मैन जो है अम्ब्रेला लाइन ठीक है टू कैंडल्स से द सेकेंड रियल बॉडी मस्ट एंगल द प्रा, प्रायर रियल बॉडी ठीक है द सेकेंड रियल बॉडी द सेकेंड रियल बॉडी मस्ट एंगल ऑफ द प्रायर रियल बॉडी एनगल्फ मतलब खा लेना ठीक है कवर कर लेना देखिये क्या हो रहा है फर्स्ट द सेकेंड रियल बॉडी मस्ट द एंगल बॉडी मतलब द सेकेंड ये सेकेंड वाला कैंडल हो गया ही नहीं सेकंड वाला कैंडल हो गया तो इट मस्ट एंग द फर्स्ट रियल बॉडी ठीक है इट मस्ट एंग द फर्स्ट रियल बॉडी इट मस्ट सेकेंड रियल बॉडी मस्ट द फर्स्ट रियल बॉडी प्राइव प्रायर रियल बॉडी मतलब सेकंड कैंडल उसके पहले वाले कैंडल को एंगल्फ करना चाहिए एंगल का मतलब कवर कर लेना खा लेना ऐसे समझ लो ना ये रियल बॉडी ये जो पहला वाला जो कैंडल बना होगा उस उसके बाद वाला कैंडल इससे इसके रियल बॉडी से बड़ा होना चाहिए ठीक है समझिए और यहां पर एक लिखा है ये वाला आप जिसे मैं क्या हूँ वैसे कर दीजिए इट नीड नॉट टू एनगोल्व ये एनगोल्व न करने से चलेगा देखिए, को को है? है? नहीं नहीं सॉरी ये शेडोज को एनवोल्व क्या है नहीं किया है देखिए shadows... देखिए, नहीं हो रहा ना सेडोज को एंगल्व नहीं करने से ये भी होगा ठीक है सेट का एनगल्फ न करने से भी चले और एक पॉइंट द सेकेंड कैंडल ऑफ द एनगल्फिंग पैटर्न शुड ऑपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल ठीक है द सेकेंड कैंडल ऑफ द एनगल्फिंग पैटर्न शुड बी द ऑपोजिट मतलब जो सेकंड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो शुड बी ऑपोजिट कलर होना चाहिए पहले वाला कैंडल से और पहले वाला कैंडल का ऑपोजिट कलर होना चाहिए देखिए जैसे की है हमारा देखिए रेड कैंडल है रेड कैंडल है तो बन रहा है तो उसके वाला बाद वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए और इसको कवर अप करना चाहिए बॉडी को कवर अप करना करना चाहिए चाहिए समझ में और यहाँ पर बियरिस के लिए एक ग्रीन कैंडल छोटा वाला होगा और रेड कैंडल बड़ा वाला होना चाहिए ये इसके रियल बॉडी से बड़ा होना चाहिए इसका रियल बॉडी बस इतना याद रखना है ठीक है एंगल पैटर्न का मतलब कलर ऑपोजिट होना चाहिए हैंगिंग मैन और हैमर में कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इन एंगलिंग पैटर्न में पड़ता है ठीक है देखिए एक्सेप्शन है आफ्टर एन एक्सटेंडेड फॉल एक्सटेंडेड फॉल ए डोजी एंगल बाय ए वेरी लार्ज व्हाइट कैंडल टू बी ए बॉटम रिवर्सल ठीक है जैसे कि मैंने अपना पहले वाले वीडियो में बताया था डॉजी एसी टाइप के होते हैं डॉजी ऐसे टाइप के होते हैं ये डॉजी हो गया डॉजी डॉजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे तो चैप्टर है डॉजी का पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा ऐसे टाइप का डॉजी होते हैं ये डॉजी ऐसे डॉजी ऐसे डॉजी ऐसे डॉजी ऐसे डॉजी ऐसे टाइप के होते हैं तो डॉजी तो मार्केट गिरने के बाद एक डॉजी फॉर्म हुआ डॉजी फॉर्म होने के बाद एक तो अगर बड़ा वाला ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है तो इसे भी हम एनगल्फिंग यही बताना चाहते हैं और टॉप रिवर्सल ठीक है और ऑफ में जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जाने के बाद एक डॉजी फॉर्म हुआ उसके बाद एक रेड वाला कैंडल फॉर्म हुआ रेड वाला कैंडल फॉर्म हुआ देखिए रेड वाला कैंडल फॉर्म हुआ होगा तो ये कुर्डी टॉप रिवर्सल ठीक है ठीक है तो ट्रेंड में एक तो डॉजी फॉर्म हुआ और एक तो रेड कैंडल फॉर्म हुआ तो उसके उसको बॉटम टॉप रिवर्सल बोलेंगे अगर एक तो मार्केट गिर रहा है और एक तो डॉजी फॉर्म हुआ उसके बाद एक तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ तो हम उसको बॉटम रिवर्सल मानेंगे ठीक है और एक तो इम्पोर्टेंट बात है दे आर शुड बी हेवी वॉल्यूम ऑन द सेकंड रियल बॉडी ऑफ द एनगोल्फिंग पैटर्न जो सेकेंड बॉडी बनता है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए ठीक है वॉल्यूम तो आप जानते हो जो वॉल्यूम लिखता है एसी चार्ट में भी लिख कर देता है वो वॉल्यूम होना चाहिए वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ठीक है ठीके? सारे कैंडल्स देख लेना और एनगोल्फिंग पैटर्न में ज्यादा होना चाहिए सेकेंड वाला बॉडी में ठीक है हो गया चारों पॉइंट क्लियर अगर कुछ डाउट होगा तो चारों पॉइंट में मेरे को कमेंट में लिख दीजिए मैं बता दूंगा डाउट क्लियरिंग सेशन कर दूंगा एक भी डाउट नहीं मिला है मेरे को एह हफ्ते, एह हफ्ते में ठीक है यूटिलाइजिंग एनगल्फिंग पैटर्न और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है एनगल्फिंग पैटर्न को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे कैसे यूज करेंगे ठीक है ये देखिए बुलिस एनगल्फिंग पैटर्न है ना ये है बुलिस एंड पैटर्न है ठीक है ये बुलिस एंगलिंग पैटर्न होने के बाद तो देखिए क्या हो रहा है ये मार्केट ऊपर जा रहा था ये तो ग्रीन वाला कैंडल है ग्रीन वाला कैंडल है फिर ये एक तो रेड कैंडल हुआ बनाया है तो बियरिस एंड पैटर्न ठीक है ये बियरिस एंड पैटर्न बनाया तो इसका रेजिस्टेंस कहां पर है देखिए इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये दोनों कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम रेजिस्टेंस लेते हैं देखिए ये 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 इसका 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 अपर अपर इतना इतना ऊपर ऊपर गया गया है गया, तो ये है तो रेजिस्टेंस बनेगा लिखे इन दिस दिसरी पैटर्न द हाई ऑफ द टू कैंडल्स बिकम्स अवर रेजिस्टेंस ठीक है द हाई ऑफ द टू कैंडल्स द हाई ये हाई है द हाई ऑफ द टू कैंडल्स दोनों का जो ज्यादा हाई होगा उसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे देखिए यहां पर भी इसका ग्रीन वाला थोड़ा सा अपर साइड छोटा है इससे तो हम इसको रेजिस्टेंस मान लिए, ये पॉइंट को ठीक है और बुलिस में देखिए क्या हो रहा है समझ में आया तो बी सिंगल पेटन का रेजिस्टेंस लिख लेना नहीं समझ में आया तो भेज जग लिख लेना समझ में नहीं, नहीं आया और एक बार समझाओ ठीक है मैं और एक बार कल और एक बार वीडियो बना के छोड़ दूंगा कोई उसका चिंता की बात नहीं है ठीक है चिंता का बात नहीं है अभी देखिए बुलिस एंगल्फिंग पैटर्न का क्या होता है बुलिस एंगल्फिंग का सपोर्ट लेंगे ठीक है सपोर्ट ये अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो नीचे जाएगा ठीक है ये जो अभी बॉटम मार्केट गिर रहा है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हैं उसका सपोर्ट क्यों ले रहे हैं देखिए मार्केट अभी गिर रहा है मार्केट गिरने के बाद एक तो रेड कैंडल बनाया ठीक है रेड कैंडल बनाया और एक तो ग्रीन कैंडल बनाया तो यहां से थोड़ा टर्न ओवर लेगा टर्न ओवर ठीक है इससे और नीचे नहीं जा सकता इसका मतलब ये है अगर ये तोड़ देगा ये रेंज को तोड़ देगा तो और नीचे जाएगा देखिए मेरे को एक बात बताइए बुलिस एंगलिंग पैटर्न का मतलब क्या है बॉटम रिवर्सल है कि नहीं बॉटम रिवर्सल है तो तो इसके बाद और कैंडल और इसके बाद बॉटम रिवर्सल का मतलब इसके बाद और नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसको ये सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट नीचे जाएगा तो ये हो गया सपोर्ट इसका देखिए इन द बुलिस एंगल में पैटर्न द लो ऑफ द टू कैंडल्स बिकम्स अवर सपोर्ट ठीक है मतलब द लो ऑफ द टू कैंडल्स उसका हाई था इसका लो था ये लो अगर तोड़ देगा देखिए ये अब लोअर शेडो का ये यहां पर है और इसका लोअर शेडो यहां पर है तो ये ज्यादा लो में है तो इसको हम सपोर्ट मानेंगे ठीक है और आप अगर देखिए आप अगर ये बन गया बुलिस एंगलिंग पैटर्न और बुलिस एंगलिंग पैटर्न के बाद आप यहां पर ले लेते हो बाय कर लेते हो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट में तो आपका रिस्क इतना बन जाता है ठीक है सपोर्ट तक इस, ये मतलब यहां पर सिक्सटी फाइव रुपीज है यहाँ पर सिक्सटी फाइव रुपीज है तो ये वाला थर्टी फाइव रुपीज है सिक्सटी रुपीस है तो पांच रुपए का आपको आ, रिस्क है लेकिन आप कुछ समय वेट कर सकते हो यहाँ पर रिटेस्ट सपोर्ट और एक बार लेने के लिए आ सकता है चार्ट ठीक है यहाँ पर आप बाय कर सकते हो आएगा चार्ट आएगा तो यहाँ पर लेने से आपको रिस्क बहुत कम रहेगा ठीक है थोड़ा रिटेस्टमेंट दिखाता है देखिये ये यहां भी वैसे ही है तो रेड कैंडल उसके बाद बड़ा वाला ग्रीन कैंडल और इसका लो इधर है तो इसको लो माना गया और बियरिस एनगल्फिंग पैटर्न का जैसे सपोर्ट को तोड़ देगा तो नीचे जाएगा तो रेजिस्ट एनगल्फिंग बियरिस एनगल्फिंग पैटर्न का भी अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है ये रेड कैंडल के बाद और एक तो ग्रीन कैंडल बन जाता है इसे तोड़कर तो ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा ये पैटर्न फेक हो गया फॉल्स हो गया ठीक है पैटर्न का और कुछ भाव नहीं रहे इसको कौन 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 भाव देगा ये तो तोड़ दिया उसके बाद वाला कैंडल तो मार्केट ऊपर जाने वाला है ठीक है समझ गए तो हो गया हमारा यह एनवेल पैटर्न और दिखते रहिए मोटिवेटेड रहिए और आगे चलते रहिए और अच्छे तो ट्रेडर बन सकते हो तभी जब भी एक डेडिकेटेड ट्यूटर को आप कॉन्स्टेंटली दिखते रहो ठीक है और मैं देखा हूँ यूट्यूब में ए, इतना अच्छे से बहुत ही कम कहा मैं, मैं जब नया नया आया था ना छह सात महीने पहले तो तो मैंने एक भी एक भी एक भी, एक भी अच्छा वाला ऐसा वीडियो नहीं देखा है जो कि मेरे को पूरा डिटेल में बता सकते सके और देखे ठीक है आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नॉलेज पा रहे हो तो मेरे को कमेंट में लिखिए अप्रिसिएशन दीजिए यार मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं कुछ आप बताने से तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा गलती होने से तो इम्प्रूवमेंट करता है ना आदमी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए भर दीजिए डाउट भर दीजिए सब कुछ भर दीजिए क्योंकि आपको पर्सनल अटेंशन दूंगा अभी क्योंकि सब्सक्राइबर कम है ठीक है जो भी यहाँ पर रेगुलरली आएगा उसका ही बेनिफिट होगा मैं गारंटी के देता हूं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा जापानीज का इंडस्ट्रिक्स हो गया उसके बाद ट्रेडिंग इन द जोन उसके बाद जो जो बुक है उसका सब बताऊंगा सब बेसिक टू एडवांस लेवल तक ठीक है तो ओके बाय और लाइक वीडियो कुछ समझ में आया तो लाइक्स या सब्सक्राइब और एक बार बोल रहा हूँ लाइक आपका मन है करना है तो कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए और क्या कर सकते हैं ज़्यादा समय नहीं ले गया लेकिन वहाँ पर प्रेस करने के लिए लाइक्स प्रेस करने के लिए और सब्सक्राइब प्रेस करने के लिए ठीक है ओके okay, बाय